हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे चटपटे जीरा आलू। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, इन्हें आप बच्चों के लिए टिफ़िन में भी दे सकते हैं, इन्हें आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं और इन्हें आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं चटपटे जीरा आलू। उसके लिए हम गैस फ्लेम ऑन करके एक कढ़ाई ले लेंगे, मीडियम फ्लेम पे रख देंगे आँच पर। अब उसमें हम 3 चम्मच ऑयल मिलाएंगे और उसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को अच्छे से हम चटकने देंगे। अब इसमें हम 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च मिला देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए, जितना आपको तीखा खाना है उसके अनुसार। अगर आपको बच्चों को देना है तो आप इसमें मिर्ची स्किप कर दीजिए। अब इसमें हम थोड़े से हींग मिला देंगे। हींग से डाइजेशन अच्छा होता है, खाने में स्वाद बहुत अच्छा आता है आलूओं का। अब इन्हें भी हम 1 मिनट तक भूज लेंगे। फिर इसमें हम हल्दी डालेंगे। हल्दी हम ऑयल में डालने से हमारी हल्दी पक जाती है आसानी से और इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें मैं 4 उबले हुए आलूओं को कट करके मिला दूँगी और इन्हें भी अच्छे से मैं मीडियम फ्लेम पर भून लूँगी ताकि ये अच्छे से कुरकुरे हो जाए और खाने में बहुत अच्छे लगें। इन्हें भी चलाते हुए हम आसानी से भूज लेंगे। इन्हें मैं कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करूँगी। अब इसमें मैं थोड़े से मसाले मिलाऊँगी। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च की पाउडर। अब इसको भी मिक्स कर लूँगी मैं ताकि ये अच्छे से आलूओं पे मसाले लग जाएं। इन्हें भी हम मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं मिलाऊँगी नमक स्वाद अनुसार। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए और नमक को भी अच्छे से मिलाने के लिए चला लेंगे ताकि हमारे नमक मिक्स हो जाएं। अब इसमें मैं थोड़े से कस्तूरी मेथी मिलाऊँगी। कस्तूरी मेथी को हाथ में लेके क्रश करके इसमें मिला दूँगी। कस्तूरी मेथी डालने से हमारे आलूओं का स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। अगर आपको कस्तूरी मेथी पसंद है तो आप मिलाइए, नहीं तो मत मिलाइएगा। अब इसको चटपटा करने के लिए 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालूँगी ताकि हमारे आलू और चटपटे हो जाएं। इन्हें डालने के बाद मैं इन्हें हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करके चला लूँगी। अब हमारे आलू उबले हुए थे इसलिए आसानी से पक जाते हैं, हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता इन्हें पकाने में। अब इसमें मैं थोड़े से हरे धनिया के पत्ते मिलाऊंगी जिससे कि हमारे खाने का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाए। धनिया पत्ता मिलाने के बाद मैं गैस फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें हम अच्छे से चलाते हुए मिला देंगे। ये ऐसी सूखी सब्जी है ना जिसे हम पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल चावल के साथ इन्हें आराम से खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते। इन्हें आप 1 से 2 दिन तक आराम से खा सकते हैं। ट्रैवल के लिए तो बेस्ट है ये जीरा आलू। तो आप भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।